हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल जे के टेक एंड फाइनेंस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ HDFC डिफेंस फंड। ये दोस्तों एक इक्विटी बेस्ड सेक्टरल थीमेटिक फंड है। इसका डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन जानेंगे हम इस वीडियो में। इस फंड ने पिछले 6 महीने में 50.37% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो डिटेल्ड एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं इस फंड की। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये फंड दोस्तों नया फंड है और जब से ये लॉन्च हुआ है ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, तो तब से इस फंड ने 97.19% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। इस फंड के एक यूनिट की अगर हम NAV वैल्यू निकालें, जिसको कि हम नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं, तो दोस्तों 17 मई 2024 तक इस फंड के एक यूनिट की NAV वैल्यू 20.21 रुपीज़ थी। और आप इस फंड में कम से कम 100 रुपये से SIP मोड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फंड बिल्कुल नया है, तो 1 साल ही हुआ अभी इस फंड को लॉन्च हुए। और इस फंड का फंड साइज 2,696.26 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड आपको 1% लगने वाला है, वो मैं आगे बताऊंगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.83% की कमीशन आपको इस फंड में देनी होगी। टैक्स इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें, तो अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो, तो आपको एग्जिट लोड के साथ साथ 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे को 1 साल बाद निकालते हो, तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा अगर आपका रिटर्न पर फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से ज़्यादा का है। अगर आपका रिटर्न पर फाइनेंशियल ईयर 1 लाख से कम है, तो आपको कोई भी 10% का ये टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपका रिटर्न 1 लाख से ज़्यादा का है पर फाइनेंशियल ईयर, तो आपको पहले 1 लाख पे कुछ नहीं देना है, उसके ऊपर के रिटर्न पे ही आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जिट लोड के बारे में बताया था, अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो, तो आपको 1% के एग्जिट लोड चार्जेस देने होंगे। अगर आप अपने पैसे को 1 साल बाद निकालते हो, तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देने होंगे। अभिषेक पोर्टर जी पिछले 1 साल से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। रिस्क एंड रेटिंग की बात करें, तो दोस्तों ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बिकॉज आपका पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। और जैसे कि ये फंड भी नया है, तो फिलहाल अभी तक एंजल वन, क्राइसिल, मॉर्निंग स्टार, वैल्यू रिसर्च, इनमें से किसी ने भी इसको कोई भी रेटिंग नहीं दी हुई है। टॉप के सेक्टर्स की अगर हम बात करें, जिनमें कि सबसे ज़्यादा आपका पैसा ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे ऊपर आता है एयरोस्पेस एंड डिफेंस 56.48%, बिकॉज ये डिफेंस के नाम से ही फंड बनाया गया है, तो सबसे ज़्यादा पैसा आपका डिफेंस सेक्टर में ही लगेगा। उसके बाद आता है केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। देर आफ्टर आता है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, डेट अदर्स एंड कंस्ट्रक्शन में आपका 1.96% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। टॉप के स्टॉक्स की अगर हम बात करें, जिनमें कि आपका सबसे ज़्यादा पैसा ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, तो सबसे ऊपर आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 20.27%, देर आफ्टर आता है भारत इलेक्ट्रॉन 18.56%, देर आफ्टर प्रेम एक्सप्लोजिव्स, सोलर इंडस्ट्रीज, अस्त्र माइक्रोवेव, एमटार टेक्नोलॉजीज, BEML, साइंट, DLM, इंटरग्लोब एविएशन, जिसमें कि आपका 3.91% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, इस फंड की डिटेल एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।